पूरी गाड़ी भरी हुई है सर ये राशन, यानी इतनी दीदा दिलेरी है कि उन साहब ने स्टिकर तक उतारना गवारा नहीं किया कि खैर है, इतनी बदमाशी है। इस गुनाह को कौन सा एटलीस्ट मानो में थोड़ी खुदा करनी हो ना तो सर झुकाए भी है सर मुख्य इन्होंने ये तो हो के वापस कर लो पैसा जो कमिट में वापस कर अच्छा चले आपने वापस किए पैसे किए आपने वापस कितने दिन हो गए 20 दिन हो गए सर एसी में इतनी तक इखलाक हो जो मनी कर रहे होते ता अना बच्चों का ब्लैकमेलिंग आ यार क्यूम साहब देखें वही बात सर ने जो की ना बड़े आप हमारे और उम्र का लिहाज कर रहे हैं ना वरना तो ये जो हरकत आप की है तो ये शर्म और ये बहुत छोटे आगे देखो मेरा ज़मीर मुतमईन है आपका ज़मीर मुतमईन है बस यार यार मत कमाल है यार मुझे कमाल है यार आपका ज़मीर अभी भी सबसे बुनियादी सवाल कि अगर डिप्टी कमिश्नर हाउस से सरकारी राशन और कंबल फरोख्त हो रहे हैं तो ये कैसे मान लिया जाए कि डिप्टी कमिश्नर खुद इस कारोबार में मुलव्वस नहीं। इस सवाल के जवाब में डीसी मीरपुर खास जैनुल आबिदीन ने बताया कि वो अपनी तैनाती के बाद से अब तक डीसी हाउस मुंतकिल ही नहीं हुए बल्कि अपने एक अपार्टमेंट ही में रिहायश पजीर है जिसकी बात हजार हमारे तमाम जराए ने तस्दीक भी की। कैसे हाउस से कैसे ये निकलवा सकते हैं ये चीजें अभी मैंने ना बहुत ज्यादा ध्यान रखा है इस चीज पे। चार माह से यकीन करें घर नहीं गया, अपनी वालदा से नहीं मिला उसी वजह से कि एक ये गलती कर बैठते कि ऐसे ऐसे लोग हमारे महकमे में आ जाते हैं इनको भी जिम्मेदारी देते हैं तो फिर उसका ऐसे अब्यूज करते हैं। मेरे पास 7 मुख्तियाकार हैं, हर मुख्तियाकार आके घर पे रिसीविंग देता है, जो भी पार्टी लेने आती है डेस्टिट्यूट जो उसको रिसीव करवाता है। ऑफिस में कोई बंदा आता है हम उसको यहाँ से तप्पेदार के साथ स्टाफ के साथ भेजते हैं घर जाके रिसीव करे, अपनी खुद शनाख्त है वहाँ पे कि मैंने उठाया। ये इन लोगों ने पता नहीं क्या सिस्टम बनाया हुआ है कि फोनों पे वहाँ से उठवा रहे हैं। मैं वही तो हैरान हो रहा हूँ कि एक बंदे को कॉल कर रहा है वो उठा रहा है वहाँ से वो गाड़ी भर के नहीं सामने सर ये ट्रक खड़ा है अभी आप जाएंगे तो बाहर जाके ये पूरा हमारे इस ये राशन भी और ये 65 कंबल वंबल हर चीज़ जो है ना उसके अंदर। और मैंने इनसे पूछा आपने कोई एक इलाका मुझे बता दें जहाँ आपने तकसीम किया राशन, चलो हम जाके तस्दीक कर लेते हैं, ये तो सारा खा पी गए हैं इसका मतलब है आप। मतलब इस रिलीफ के काम में यार खुदा का इतना डर होता है हमारे ऊपर कि यार भूखे बच्चे बच्चियाँ खुले आसमान के नीचे डिग्री झुड्डों में आप जाके हालत तो देखें, आप तो गए नहीं होंगे अपने इलाकों में मुझे यकीन है। भाई मेरा यकीन करें दिल करा मैं काम छोड़ के चला जाऊं ऐसे लोगों की वजह से। मुझे अंदाजा है 4 महीने से मैं खज्जल खुआर हूं, आपने देखा 3 दफा हॉस्पिटलाइज हुआ हूं मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, आज आपने मेरी सारी इज्जत सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। यानी अब देखें मैं कहूंगा भी ना कि डीसी साहब नहीं भाई डीसी हाउस से कैसे निकली है चीजें इन, मैं तो नहीं कह रहा लेकिन कितने बड़े सवाल ये निशान है। ऑथराइज करेगा ना आपकी बगैरती की वजह से वहां से सामान मिस यूज हुआ देखें। और अभी भी एक लफ्ज़ पकड़ लिया आप लोगों ने ब्लैकमेलिंग की है, क्या ब्लैकमेलिंग है समझाएं सर को भी समझाएं, मैं बिल्कुल धीमी आवाज से सुनता हूं आपकी आवाज में बिल्कुल बैन ही रिकॉर्ड करके ऑन एयर भी करूंगा आपका मौके बताएं। नो बताएं क्या ब्लैकमेलिंग है। हां जी कोई कमेंट्स नहीं, नहीं ब्लैकमेलिंग नहीं ना आप कह रहे ना ब्लैकमेलिंग, पर ठीक है जो करना है आप करो भाई कर रहे हो मसला नहीं है करो जो करो। जो आदमी अपने बच्चों का अपने इलाके के मासूम बच्चे जो इस वक्त भी सर्दी में ठिठर रहे होंगे जिनको इस वक्त भी शायद खाने को नहीं मिल रहा आप उनका ये तो ये वो एक डील है जो आपने हमारे साथ की है, वैसे आपने पता नहीं क्या बेड़ा गर्क किया पूरे राशन की खेप का। मुख्तार कार कुयूम जतोई की जानिब से अपने वाजे वीडियो सबूत होने के बावजूद अपने मकरूह काम से मुसलसल इनकार पर डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबिदीन के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया और उन्होंने वहीं खड़े खड़े इस बेहिस सरकारी अफसर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मैंने आपके मुतालिक बहुत अच्छा सुना, मुझे ये यकीन था और बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं शायद पिछली तरह की होंगे डीसी साहब, मैंने कहा मुझे यकीन है कि वो जाके फेस करेंगे अगर ठीक आदमी है तो। और लास्ट टाइम हमने इसी ऑफिस में हमने देखा था डीसी साहब यहाँ मोबाइल छोड़ के भागे थे और आई एम ग्लैड कि कुछ ऐसा है जो फेस कर रहा है तभी जब उसको पता है मेरे दिल में शायद चोर नहीं है। लेकिन यार आप तो अल्लाह का वास्ता है, गलती बंदा मान लेता है बड़ा होता है इंसान का, ये नहीं कहता जो करना कर लो इसको वहां बैठाओ दोनों उसके ऊपर खड़े हो जाओ जब तक पुलिस नहीं आती है। राइट अवे इनके खिलाफ लिख रहा हूँ, ही इज क्लियरली गिल्टी, इसका चेहरा बता रहा और ये जो हरकतें की आपने मोबाइल पे यार अदा इमीडिएटली अरेस्ट मुख्तार इमीडिएटली अरेस्ट इनके खाने वठी वञो ठीक है। माँ ऐसे जो साहब सा गलाए तो माँ पान मुदई थे तो ऐसे साहब इनके झलियो माँ पान मुदई थे तो इनके खिलाफ इनके ही अरेस्ट करो इनके बधो ठीक है। इन्हें सर ये डिपार्टमेंट के जलील कराए हुए एंटी करप्शन बता के इन्हें कॉल करे थी माँ बतो क्या ठीक है इनके छदड़ो नाजस्ती माना चाहो ठीक है। मुख्तार कार के खिलाफ टीम सरेआम की कार्रवाई का सुनकर डीसी ऑफिस के बाहर लोगों का एक जम्मे गफीर जमा हो गया था। पुलिस बहुत मुश्किल से मुख्तार कार को इन लोगों से बचाकर थाने ले जाने में कामयाब हुई।
इन लोगों का कहना था कि हमें और बाकी सैलाब मुतासरीन को इन अफसरान की जानिब से कुछ नहीं मिला और ये हमारे हक और हिस्से का सामान बाजार में बेच रहे हैं। सब खा रहे हैं, गरीबों का हक किया है, बहुत अच्छा किया है तुमने। इसने किस लोगों को मिला है कुछ सैलाब में? 22 साल से मेरे को रुलाया हुआ इन्होंने, 22 साल से मतलब मेरा खाता बना हुआ इन्होंने, कैंसिल कर दिया पैसे लेके। यहाँ पर अरबों रुपए का माल बेच दिया जाता है, कोई नहीं पूछता। यहाँ पर अरबों रुपए की करप्शन की जाती है, कोई नहीं पूछता। यहाँ तक कि एक पेपर बनाने के लिए भी, यहाँ पर डोमिसाइल बनाने के लिए भी यहाँ पर रिश्वत दी जाती है, यहाँ पर अस्पताल के अंदर दाखिले के लिए भी रिश्वत दी जाती है, यहाँ पर मकान बेचने के लिए भी रिश्वत दी जाती है, यहाँ पर डोमिसाइल PRC कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसमें रिश्वत नहीं दी जाती हो। अच्छा भाई, आप जितने भी लोग हैं कोई मुतमिन है यहाँ पे कि काम ठीक हो रहा है? सफल नहीं, नहीं, नहीं। बहुत अच्छा माशाल्लाह सही किया आपने, पता लगेगा। ये लोगों मैं आपसे पूछा ये गरीबों का बात था जो आपने काम किया है, समझो कि एक तरह आपने जात किया, बहुत अच्छा काम किया, जुल्म किया लोगों के साथ। ये लोग बड़े परेशान है लोग यहाँ पर ना, बहुत मसला हुआ। ये जो अभी कंगल डंड वाले जो हमारे लाल साग वाले, इसमें 4-4 फुट 5-5 फुट पानी है, 6 फुट पानी खड़ा है। कहाँ से आप? कंडेर के आए, कंगल के। अच्छा, तो क्या राशन वाशन मिला है, कंबल मिले? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। इधर इधर याद है, ऊपर पानी खड़ा है, उधर बारी बारी कराची से आती है तो इधर हड़प हो जाती है, मीरपुर खास में शहर में यहाँ पे सारा खत्म। जब आसान आयो ACDC नहीं को पानी ला खत्म को खयो सामान लेने, इसीलिए 4-5 बंदे पुलिस के घुरा के हमारे को डंडे मार के जेल में सारा रात मारा है। देखो आप कहाँ से आए हैं? मैं फिर चराई उधर से आए हैं, तालका सिंधड़ी। तालका सिंधड़ी वहाँ कितने लोगों को राशन मिला होगा? मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिला। कराई चलो, अब भी खड़े आप लोगों के। हमारा बच्चा रोड हमारे गांव में 5-6 फुट पानी है, कंगल कंटेर घिर तराई तीनों देव में पानी है। हमारा बच्चा इस वक्त रोड पर पड़ा है। कोई कंबल मिला नहीं? नहीं, हमारे को तो कोई कंबल, कोई खैमा, कोई नहीं, राशन नहीं, कोई अलग तो बना के अलग अलग का ही नहीं मिला है। और दूसरा गांव तो 400-500 गांव है, सारा बुढ़ा पड़ा, 3 तिहू बुढ़ा पड़ा।